भौंता कौन पाए लागा। अरे प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। अंग अंग देहिया टूटन ला या कहा है करी गजरा जैसे फूटन ला। ज्ञान तो अनट हो जाए भला कहे ज्ञान नष्ट करे आई है का कहे जो उल्टा सीध गई है पंडिता ही ले 32 बोर भमचिया है ज्ञान नष्ट करे आई है पंडित पंडित का ज्ञान नष्ट कर दिया। रुक जा मरिया तो भाषा बुझ जाई है रुक जाता है देख ले था तो क्रोध दिखाए पा रहा है झाड़े पा रहा है शराब दिया था ओम निर्भीर श्रीवीर सर। अरे हां रकम दे हूं पंडित कहे का आई है। अरे बिचोड़ा आवे आई पहचाने नहीं तुम्हें पहचाना नहीं नहीं पहचाने। एक चतुर नारा बड़ी होशिया एक चतुर नारा बड़ी होशिया एक चतुर नारा जमा दिया एक चतुर नारा बड़ी होशिया करके दिल के मरीज है का सुनो ए चतुरनार कौन हो तुम पंडित मन थराया है। अरे महाराज की सारी सारी के दासी है। अरे वही बात एक ही है हिसाब मरा है तुम महारानी के कई की दासी हो ना। हाँ तो सारी तो हुई कह के हम यस दशरथ जी हमारे भैया लगते हैं कौन हो तू मन देखे सारी ढूंढ मंथरा कोई विशेष कारण हाँ पंडित क्या कारण है यहाँ सोचो कि विद्वान है हाँ? आज मोह विद्वता में घुस जाऊं कहे तू शंका है का मोह विद्वता में वह तो आज देखे आए का बिया विश्राम है कह क्या आपा शर्माते नहीं है भला उल्टा सीन मजाक ना करे भला मजाक तो भौजी नहीं लगती कहूं तो भी भाई से रागे का बिच रही है बड़ी दया से आकर तकल्लर कर म समझाती हूं भला पढ़े लिखे बता 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 चुआ था का पर निज मकान रांधे हो सब चुआना लाग गए पानी फूल पत्तू कहे का पत्तूर कहे का बिचुरावट का सखठे निकल गए का बिच रही है सखठन से का मतलब है कहूं ते तीजा उपासी रहा छिया व्रत रहा तो हां अच्छा का बिचारे का या देख ले का तो ही देख लो महका नहीं पत्तूर का हां या देख ले राम राजवानी की भारत भारत माना जय कर का तो ही बना दो पत्तूर में वो पावर है मोरे। अरे पावर हुआ देखा महका का जी अरे जय काश वही पावर दिखाऊं बता भारत का बना दे चला गया। और ध्यान दे भाई बड़ी सुंदर प्रस्तुति मंथरा जी और पंडित जी की देख रहे हैं आप लोग। मंथरा जी की भूमिका में गणेश कुमार जी त्रिपाठी राजधानी लखनऊ और पंडित जी की भूमिका में इस समय रामलीला जगत के सर्वश्रेष्ठ कॉमिक पंडित श्री ललित कुमार जी मिश्रा आपके लिए पंडित श्री हरि ओम जी मिश्रा मंडलाधीश जो हम सब कलाकारों का चयन यहाँ पर किया है आपकी ओर से 50-50 मुद्राएं दोनों ही कलाकारों के लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। टेम्पो देखा सजा के बैदाना कर सका नहीं सिंगार है कर सो ये क्या कर रहे हो पंडित जी काट सिंगार कर ये टावर वाला टावर आके सिंगार कर रहे हो का टावर लगाए और अब कैच करी कैच करी पंडित और ये आ गए हमारे आदरणीय ललित तिवारी जी उन्होंने ललित मिश्रा जी के लिए और मंत्रा जी के लिए ये 21 रुपए 11 रुपए भेंट किए धन्यवाद। मंथरा पांडे अब दूरी हट रुक जा एक बौगंध आज ये बांध दे टाबर ना जैसे आई तो मुआ घर छेरियान छेरियान गधा लाग पांडे ऐ गुहार रात रानी आए ये रात रानी आ छोड़ दे देख रात रानी बैक कर कहे दिन रानी हो तो छोड़ लौटत नहीं आते ना झूठ झूठ
भले यत्ते खातिर आई राज किया कुछ काम रहा है नहीं पंडित यहाँ ये भारत का बना दे अच्छा जय का वही बना दो लेकिन ये मंत्रा जैसे ते आई है ना नीक लागे लाग है मुआ घर नीक लागे लाग है गजर सजा दे है ना कुकुर खेदे खेदे परेशान ना तो आ घर तो नीक लाग है जैसे ते आई तैसे कुकुरो नहीं आओ तो तो नीक लाग है लेकिन ये टाबा जो हमार दिमाग घुमाए है हाँ एक उतार पाई इतना लोड न सही पाई हो हाँ बुढ़ापा का शरीर उतार मुड़े के कमजोर है सिंगार नोच ले हो आज बहु गुहारी मारे है जोड़ आज मिल गया पंडित पावन मिल जाए तो दिल दूना हो जाए पलकी का पर्याटा खा के आई अच्छा लो बुढ़ापा का शरीर आ जाओ वही करता हूँ सुन सिलेंडर ले आऊं का भरे जा सिलेंडर भरे जा हाँ कौन दी घर चली तो आ अब ये बताते जाए का या वो काम बताओ पंडित वो सुन हाँ दरी तो न बाहर आ रे पंडित देख ले पर तुरमा मजाक ना कर भला देखा तो का देखो ये तो बताओ राम राजा बनी कि भारत बनी इलेक्शन तहु लड़ासी है का स्वागत है हाँ पंडित ते इलेक्शन के चक्कर में न परे नहीं दांत भी पूरे परी रही है हैं राजा महाराजों का काम है चाहे भरत जी राजा बने चाहे राम जी बने तुमसे क्या मतलब है कहे पंडित जब साधु पहले पत्तू बना दिया था तो एक दिन मत भारत का राजा नहीं बना सकते यही राजा तो मैं तू ही बना सकता अरे महिका नहीं उनका बना लेकिन सुन तो बनेंगे जो को जाऊं बना थो बनेंगे ते कहे चक्कर में पारी है लाल देख पर पंडित घर आए घर हाँ कब आई हो हाँ काल ही आए काल कपड़े लत्ता दे दिया हूँ ठीक अब बनाइए बहु रहीसिया कपड़ा लत्ता दे है मुझे लत्ता पंडित समझे मैं लत्ता भी न भावत हूँ हट लत्ता हाँ नहीं पंडित उठ लत्ता मारे आगे उठा कपड़ा लत्ता हाँ वह है पंडित सुन ये बता ये मैं ऐसा कर हाथ आगे कर और हमारे आदरणीय श्री महेश मिश्रा जी तारापुर से जो पधारे हैं 21 रुपए पंडित बाबा जी के लिए भेंट कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ देखा आवत अब मंत्र बोल मैं बोल रहा हूँ भाई मैं बोली हूँ पीता है बोल दोहरा दे हम ओम ओम तना ना ना पुक पुक या कहूँ मंत्र हुआ मंत्र आए वेद में है आकर्षण है हाँ चल दोहरा ओम तना ना 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 पुक तना ना 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 पुक तना ना ना पुक पुक कहा फेंक दे पुक पुक पटक दी हूँ हाँ ठीक ही नहीं अब फिर से बोल तू दही का बड़ा है तू दही का बड़ा है मैं बेसन की पकौड़ी हूँ मैं हाँ मैं बेसन की पकौड़ी हूँ तू घोड़ा है मैं घोड़ी हूँ गलत आए गलत एक को न हो मंत्र सुन तो ये मंत्र आए तू घोड़ा है मैं घोड़ी हूँ यह नक्षत्र में छोड़ दे ग्रह नक्षत्र यह सब बना है अब ऐसा कर हाँ। कि अंगुली मूंद के चक्रमा की धर अपने कांड में धरे अब छोड़ो मंथरा हाँ अब ऐसा करो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ
राम और भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये चारों भाई हैं। चारों भाइयों के राज का योग लिख रहा है। चारों भाई राजा बनेंगे, लेकिन इस समय भरत के राजा बनने का नक्षत्र सबल है। भरत राजा बन सकते हैं, लेकिन प्रयास किसी नारी के द्वारा किया जाएगा। तो तुम ऐसा करो कि ये प्रस्ताव महारानी केकई से रखो। महारानी केकई महाराज से रखेंगी, क्योंकि महाराज केकई जी को अधिक प्रेम करते हैं। या ठीक है, पढ़ ले। कोई जान ना पाए अयोध्या में, तुम चुपचाप महारानी के पास जाओ। तो यह काम तय ना कह दिया है? ना 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 ना, मेरे करने से रकम दूनी कह दिया हूँ ना मंथरा, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। मैं रानियों के पास कैसे जा सकता हूँ? रानी बन के? ना 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 ना, मुझे पहचान जाएंगे। अच्छा? तो मुझे शूली में चढ़ा दिया जाएगा। और तुम रानी की दासी हो, हमेशा उन्हीं के पास रहती हो। ठीक है, जाओ, खुश रहो, खुश रहो घर में। घर में हाँ, जवाना खराब है, बाहर न भाए भाला जा। जात महारानी कहेगी कैकेयी के पास, बहुत चाहती हूँ जब से विवाह था साथ हो भाई। हम रोआवत जाइबे पूछिए का होई के बता दिया। चोराए चोराए राम का राजा बनाओ, चलो महारानी के पास। भरत मात पगी गई बिल खानी, भरत मात पगी गई बिल खानी, का अनमल क्या देख रही हूं? आज मेरी दासी रो रही है, देखो ना, आज इसके गाल बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। दासी, ए दासी, तब हूँ न बोल चेल बन पापिल छाड़ई स्वास कार जल सापिल। ए दासी सुनो ना, बहुत गुस्से में लग रही है। दासी देखो ना, आज हम बहनों ने, सभी बहनों ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है। हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? जो तू रो रही ये सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे। क्या कहीं
झगड़ कर आई है। ये बताओ किसी से तुम्हारा झगड़ा हुआ है? नहीं महाराज। क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी दासी क्यों आज उदासी है? मेरी सौगंध दासी तू सच सच बता, कुशल राम महिपाल भरत लखन रिपु दमन शब है तो अति खुशहाल। मेरे चारों पुत्र राम लक्ष्मण वरस शत्रुघ्न सब कुशल से तो है ना? राम छोड़ कुशल के है आजू, राम की छोड़ कहती कुशल करे क्या महाराज राजा बना हुआ याद महारानी कहते सुनिस कमार कौशल्या सुनिस कि हमारा लड़का राजा बनता है मारे अभिमान के फूल ने समा दिया अयोध्या सजा दी अनर्थ हो रहा महाराज। मैं देख करके आई महारानी आरी जिसका कल होगा वो राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं सारा ये फंद उसी का है। महारानी जी जो चारों सजावट हो रही है ये राम राजा अभिषेक की हो रही है, है? तुम सदा जीतती थी बाजी पर आज तो मात खा रही हो। अवलोक गोट रानी तेरी इस घर में मात खा समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे महारानी जी अनर्थ होने जा रहा है चारों ओर सजावट हो गई राम को राजा बनाया जा रहा। महाराज ने क्या वादा किया था जब भी विवाह हुआ था कहा था तुम्हारा बेटा राजा बनेगा आज तुम्हारे बेटे को ननिहाल भेज करके राम का राजा बनाओ जात अन्यथा हुआ तुम्हारा क्या देख के आ कहाँ पटक दे कहाँ मोड़ दे मार भारत बनी हमारा। बस चुप हो जा ये जो तेरा मुंह है ना कहीं की आई गुहार कहे मार क्यों मार डालूंगी ना कहा अन्ना कहा ना कहा कहीं की घर फोड़नी कुबड़ी कहीं की चल निकल यहां से चंडालिन किसने तेरी मत मारी है जो सुख रुई की ये ढेरी को बनकर आई चिंगारी है जो सुख रुई की ऐसी बातें करने में तुझे तनक भी लज्जा नहीं आई है? अब के जो वैसे बचल कहे तो ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी यो राज राम होगा जिस क्षण तुझको मैं मोह माता दूंगी यो राज राम। तो मुख अनचरी है मेरी इस कारण पुरस्कार भले कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार हारे कल है त्योहार ऐसी बातें करने में तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई कि मैं क्या बोल रही हूँ सोच समझ कर नहीं बोल रही है। महारानी जी मैंने तुम्हारे हित की बात कही तुम्हें बुरा लगा मैं नहीं कहूंगी और ये तो आपके गले की शोभा है रानियों के मैं तुदासी अरे ये हार तुम्हीं को शोभा दे दासी ने लाल इन हार की है अरुणी राम की हर
उभारे पीना। क्या गरज पड़ी है रानी जी, जो मैं अपना हूं नो जवाब होगी। तुमने कहा दोबारा कहोगी तुम्हारी जिद्दिया कटवा। क्या गरज पड़ी मुझे रानी जी, जो मैं अपना मोनो जवाब होगी। दोनों में को राजा हो मैं दासी के। मैंने वो सत्य अदा कर दी जो नमक तुम्हारा खाया था। है प्यार भरत का इस कारण से गोदी में उसे खिलाया। कहानी चेरी छाड़ नो ही बेरा। इतना इसको मारा लेकिन बात मेरे ही हित में कर रही है। दासी प्रियवादिन शिख देने हो तो ही सपने तो पर कोप न हुई। तेरे ऊपर क्रोध मुझे स्वप्न में भी नहीं आ सकता। समाज मरती हो स्वप्न को नहीं आता। रानी है चाहे को। परंतु क्या करूं, तुमने क्रोध करने का कार्य किया है। क्या किया है? क्रोध नहा यहाँ सही है। अच्छा हाँ तो फिर भरत सपत तू सत्य कहो पर हर कपट दुराओ। हर समय विस्मय करस कारण मोह सुनाओ। एक ही बार आज सपू जी अब का कहा जीव कर दू जी। बड़ी आशा लाया के मैंने कहा तुमने कहा जीव कटवा महारानी जी। अब मैंने तुम्हें भरत की सौगंध दे दी है। सच सच बताओ आखिरकार बात क्या है महारानी। कहो जिस समय विवाह हुआ था तुम्हारा महाराज ने कहा था कि तुम्हारा बेटा ही राजा बनेगा। तुमने यह सत्य रखी थी महाराज ने स्वीकार किया था। तुम याद करो ना रानी जी। अब याद करो ना रानी जब ब्याह किया था राजा ने तो। कि भरत जी आ जाए तो कहो महारानी कहने लगे तुम तो कह रहा हो तुम्हारा लड़का राजा बनी है। ये वाले नहीं बुलाओगा भरत। और सुनो रे खचाए कहां मैं भाखी भामिन भाई दूध के माखी। जैसे कद्रु भी तक साथ छल करिस और वहां अगर काम होगा राम राजा बनेगा तो तुम्हारे बेटे भरत का बंदी का हम आ जाए। जीवन में तुम दासी बन के रही हो आपन काम संभालो अपने लड़का का बनाओ नहीं जाओ मन या तो करो नहीं। ए
ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये महारानी कैकई सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने सवत का दिया हुआ दुख कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। करा चाहिए कह करे दासी, अगर तुम कह दो तो मैं फांसी लगा लूंगी। भूतिन मानी हो? नहीं, तुम कह दो तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। अच्छा, मोहब्बत में? हाँ, अच्छा, इसलिए कि तुम मेरी दासी हो, तुम मुझे जो भी करने को कहोगी वो सही ही होगा। नहीं, तुम कहियो हम करब कि हम कहबे तुम करियो। मैं तो दासियां हूं, रानी की बात मानी जात। मुझे सीधी ने क्या समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है, दासी तुझ पर दासी। अब तुम मुझे केवल इतना बताओ जिससे मेरा बेटा भरत ही राजा। और धन्य सुन रहे हैं सुंदर प्रस्तुति महारानी कैकेयी और दासी मंथरा की, प्रभावित हुए मंडलाधीश पंडित हरि ओम जी मिश्रा आपकी ओर से 101 मुद्राएं सुंदर प्रस्तुति पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद महारानी। हाँ, तुम्हारा बेटा राजा बन सकता है। अच्छा, हाँ उपाय है। कैसे? दो वरदान भूषण था थी, दो वरदान तुम्हारे महाराज जी के दशरथ जी के साथ में पास में रखे हुए हैं। हाँ, जिस समय देवासुर संग्राम चल रहा था उस समय देवराज इंद्र की सहायता में महाराज दशरथ गए थे, उससे तुमको भी साथ में ले गए थे, इसीलिए विवाह किया था, तुम वीरांगना हो। उस समय संभासु नामक दैत्य से महाराज दशरथ का युद्ध हो रहा था भूमि अंबर में, तब तुमने ही दो रथों वायु वेग से चलाया था, सारथी का कार्य किया था, निकल रहा था चक्र, वक्र हो गया था रथ, धुरी निकल गई, और जब देखा तुमने धुरी लगा दी, अपनी उंगली लगा दी, वक्र हो गया था रथ, तब तुमने ही प्राण महाराज की बचाया था। महाराज ने कहा, वीरांगना हो, अगर आज तुम ना होती मेरी मृत्यु हो जाती, आज की जय तुम्हारी ये है, मांगो, क्या चाहती हो? मैंने ये कहा था उनसे कि जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। तो समय ऐसे बड़ा कौन आई, मौका है राज्य से खोरा हौका कह न अबला कर सके। याद करो ना रानी जी, दो बार राजा पर थाती है, बस घर का युद्ध जीतने में दो बार सुनो ये काफी है, लेकिन आज ही खेलना है शिकार, प्रातःकाल राम को राजा बना दिया जाएगा, आज ही खेलना है शिकार, रखो वो बाण बरदान वाली। बाण बुझा करके अमोघ बाण है, मौके पर उन्हें चला देना मृत की चौकड़ी भुला करके। महाराज बहुत चाहते आज भी तुम्हारे पास आए, नब जो आज अंतापुरा में तो वो तिरछी कर भावे कमानों को पहले दिखलाना, वो त्रिया जत्री मांगना, दो वरदान क्या मांगोगी? पहले वरदान में क्या? अपने बेटे भरत के लिए राजी जो महाराज ने कहा था, और दूसरे में 14 दिन हो गए सजावट करते करते, महाराज ने बताया नहीं बताया, इसलिए दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। दासी, मेरे बेटे भरत को राज्य ये तो ठीक है, हाँ। लेकिन हे राम चैत्र वहे राज कुमार, शत्रुताई तो मेरी कौशल्या से है, लेकिन इसमें बेटे राम का कोई दोष नहीं है। हे राम चंद्र वहे राज कुमार कोमल तन है निर्दोषी है, 14 वर्षों वनवास बहुत दो 4 वर्ष ही काफी है, 14 वर्षों। बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास बहुत होता है, 2-4 वर्ष ही। यह फौजदारी लिखा तुम्हारे बस की नहीं आए, 2-4 वर्ष का मंगियाओ, लौट के राम जी आ जाई है, तुम्हें लड़के को उठा दिया राशिगासन से, 14 वर्ष का मंगियाओ, राज का अधिकार समाप्त हो जाए। जब आई नाव किनारे में क्यों खे रही मंधारों में, रानी खुद आज मार रही आज तुम्हारे पाँव में,
अपने का पाम कुल्हाड़ी मारती हो, हैं? 14 वर्ष का मांगो सीधा सीधा। सत्य कहती हो, समय आने पर मित्र भी शत्रु का काम करता है। तो जाओ, कौन भवन जाओ? कर्णवस्त्र के दांत आर वालों के बालवान करो, वस्त्रों को फाड़ डालो, बालों को भी खेल लो। शाम हो रही, महाराज आ रहे होंगे, दरबार समाप्त हो गया। तुम जाओ को भवन, मैं जा रहा हूँ। और दासी, हाँ। एक बात और, क्या? अगर मेरा बेटा भरत राजा बन गया ना, अच्छा, तो मैं ये तेरा कुबड़ है ना सोने से मढ़वा दूंगी। इंतजाम कर मढ़वा बेटा, हम अभी बनाई थी। ठीक है। और अभी मंत्रा जी और कैकेयी जी का संवाद सुन रहे थे। अब आइए कैकेयी और दशरथ जी महाराज के संवाद। और अभी जाए नहीं कोई, बैठे हैं सब लोग। बड़ी सुंदर अभी यहाँ से लीला है भगवान की। अब आने वाला